भारत बंद का जो आह्वान जो लोग किए हैं वे सब स्वार्थी तत्व हैं। स्वार्थी तत्व इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। छोटे भाई की प्रगति नहीं हो ऐसा चाह करके वो चाहते हैं कि 100 में 100 का लाभ हम ले लें। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि समय की नाजुकता को देख करके हम लोगों में वर्गीकरण की बात किया। जैसे किसी घर में 4 भाई होते हैं, आपस में नहीं पटता है तो संसाधनों का बंटवारा कर लेते हैं और गोतिया के रूप में बढ़िया से रहते हैं। आज उसी प्रकार से हम चाहते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वर्गीकरण होना चाहिए कि जो समाज 76 वर्ष आज़ादी के बाद भी आज उसका विकास नहीं हो सका है उसको अलग व्यवस्था होनी चाहिए, और जो 76 वर्ष में शेड्यूल कास्ट आरक्षण का लाभ लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, फॉरेन सर्विसेज में, राजदूत में, MLA में, पार्लियामेंट के मेंबर बन करके लाभ लिया है जो 90% से ज़्यादा है। शेड्यूल कास्ट को जितना सुविधा मिली सुविधा है वो सबका 90% वही 2-4-5 जातियाँ मिल करके ले लिया है। बाकी जो 18 जातियाँ बिहार के स्तर में वो आज हाशिए पर है, मात्र 5% या 7% लाभ मिला है। तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय हुआ है और ये स्वार्थ की बात नहीं है, ये एकदम गैर स्वार्थ की बात है। तो ऐसे तत्व जो आज बंद का नारा दिया है सब स्वार्थी है। और मैं कल ही 18 जातियों का एक बैठक करके आया था, हम लोगों से मना किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि वर्गीकरण होना चाहिए तो वर्गीकरण होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी ये बात